जय राम रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश प्रभु शरणागत मांगत पाहि प्रभु जय राम राजा राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम। सियावर रामचंद्र के नाम के इस जयकारे के साथ आज राज धर्म की हम शुरुआत कर रहे हैं और अयोध्या के सरयू तट से हमारी अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं ये लगातार जारी है। आप जानते हैं जिस स्तुति का गान मैंने यहाँ पर किया ये भगवान शंकर ने ये भगवान शिव ने इस स्तुति को तब गाया जब अयोध्या पति राजा राम लंका विजय करके अयोध्या धाम पधारे। उस वक्त जो यश गान हुआ वो शिव के मुख से हुआ वो राजा राम सिया राम हुआ। आज विशेष अनुष्ठान की जो तस्वीरें आ रही हैं ये अपने आप में दिव्य है या अलौकिक है और जब हम कहते हैं ये दिव्य और अलौकिक है ये क्यों है वो इन तस्वीरों के जरिए ही हम आपको बताते हैं। आज उस विग्रह की तस्वीर सामने आई जिस विग्रह की को देखने की प्रतीक्षा असंख्य राम भक्त कर रहे थे। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इसमें रामलला की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। ये रामलला के विग्रह की तस्वीर है। इस तस्वीर को आप देखें अभी नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है और ये पट्टी तब तक बंधी रहेगी जब तक ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती और फिर जब ये पट्टी हटाई जाएगी प्रभु श्री राम एक दर्पण देखेंगे उस दर्पण में वो खुद को देखेंगे और फिर प्रभु श्री राम को देखने के लिए उनके भक्त इसी श्री राम मंदिर में उन सीढ़ियों को चढ़कर पहुंचेंगे जो सीढ़ियां तपस्या की सीढ़ी कही जाती है जो अध्यात्म की सीढ़ी कही जाती है जो संघर्ष की सीढ़ी कही जाती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उन कर्म कांडों के अनुष्ठानों की भी तस्वीर है। ये किस तरीके से आज यज्ञ चल रहा है कहां कहां यज्ञ हो रहा है 121 ब्राह्मण जो इस वक्त मंत्रोच्चार कर रहे हैं उसका कारण क्या है उसका विधि विधान क्या है आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं और आज 5 घंटे वो अयोध्या में ही रहने वाले हैं। सभी कार्यक्रमों पर उनकी नजर रहेगी। आइए सबसे पहले हम आपको विग्रह दिखाते हैं। विग्रह आप देखें प्रभु श्री राम का ये वो विग्रह है जिसे देखने की आकांक्षा सभी राम भक्तों की थी। इस विग्रह को आप देखें बड़ा ही सुंदर बड़ी ही सुंदर मूर्ति बड़ी ही सुंदर छवि यहाँ पे दिखाई दे रही है। आंखों पर नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है गले में पुष्प माल दिखाई दे रहा है और ये पट्टी जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी ये पट्टी हटाई जाएगी। हमने कल भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी वो विग्रह की ही तस्वीर थी उसमें आपने देखा एक शॉल नुमा कुछ प्रभु श्री राम को उढ़ाई गई थी और अब अधिवास का अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है जलाधिवास कराया गया। और जब बात अधिवास की होती है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अधिवास होता क्या है। जलाधिवास का अर्थ अगर हम ये समझें जल के एक कुंड में जिसने गंगा का पवित्र जल होता है सरयू का पवित्र जल होता है उसमें प्रभु श्री राम के विग्रह का अधिवास करवाया गया उसे ढका गया ठीक इसी तरीके से अन्नाधिवास भी होगा। और ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी इसकी एक एक छवि एक एक तस्वीर आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। हमारे साथ बेहद विशेष मेहमान इस वक्त यही मंच पर मौजूद हैं। आइए मैं शुरुआत चर्चा की उन्हीं से कर दूं। हमारे साथ आचार्य मिथिलेश नंदिनी महाराज शरण हैं हनुमंत निवास से आप आए हैं। आचार्य जी दोबारा आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जब हम आज के अनुष्ठानों की बात कर रहे हैं एक एक अनुष्ठान को जरा विधिवत हमारे दर्शकों को समझाएं क्योंकि ये मौका बड़ा ही पुनीत है सनातन संस्कृति का परिचय आधुनिक युग भी कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपको इंडिया टीवी को परब्रह्म परमात्मा श्री राम को अपनी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित होते हुए यह देश देख रहा है और यह प्रतिष्ठा वेदों के अनुशासन में आगमों के सिद्धांत का पालन करते हुए पूज्य आचार्यों और संतों के निर्देश में संपन्न हो रहा है।
भगवान श्री राम की यह प्रतिष्ठा इस अर्थ में विलक्षण है कि सारे जगत का जो प्राणन करने वाला, सारे जगत के जीवों का जो परम जीवन परमात्मा, उनकी अपनी भी प्राण प्रतिष्ठा इस लोक में अवतरित होने पर होती है। अर्चावतार के रूप में भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं और उनका अधिवास प्रारंभ हो रहा है। अधिवास का अर्थ है भक्त के द्वारा, अर्चक के द्वारा चुनी गई प्रतिमा परमात्मा अंगीकार करें और वो जो प्रतिमा किसी धातु से, किसी पदार्थ से, यहां जैसे प्रस्तर से निर्मित है, वह प्रतिमा प्रतिमा न रह जाए, स्वयं परमात्मा उसको अधिकृत कर, अंगीकार करके उसमें विराजमान हो जाए और वो चिन्मय हो जाए। जड़ और चेतन जगत जगत को हम जिस तरह पहचानते हैं, अधिवास की क्रिया परमात्मा की उस प्रतिमा में परमात्मा के तेज को, उसकी चिन्मय सत्ता को व्यक्त कर देता है और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है जिसकी अभी आपने चर्चा की। भगवान की प्रतिष्ठा के बाद उनको दर्पण दिखाया जाता है। संसार में जड़ पदार्थ अपने को स्वयं नहीं देखते, आप ही जो अपने को देखता है वो चिन्मय, वो चेतन होता है। जिसको कोई दूसरा देखता है वो अचेतन होता है। उस विग्रह में श्री रामलला जब विराजमान होते हैं तो उनके विराजमान होने के बाद, उनकी प्रतिष्ठा पूरी होने पर, उनको दर्पण दिखा करके ये अनुभव हम करते हैं और ये अनुभव कराते हैं कि अब यह प्रतिमा जिसको हमने यहां स्थापित किया है, इसको श्री राम ने अंगीकार कर लिया है। अब वे स्वयं अनुभव करते हैं अपने होने को और इस तरह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में जो बिखरा हुआ संसार है, इससे की जाने वाली सेवा वो अब स्वीकार कर रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं और अंगीकार कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अंगीकार हो रहा है और ये पुनीत अवसर इसलिए है उस सनातन संस्कृति को जिसकी चर्चा मात्र करने से ये कहा जाता था कि ये कहां पौराणिक युग में पहुंच गए हैं, कहां आप त्रेता युग की बात कर रहे हैं। लेकिन हर एक अनुष्ठान का अपना एक महत्व होता है, हर एक मंत्र का अपना महत्व होता है और इसी महत्व को हम समझने की कोशिश यहाँ पर आज राम की पैड़ी से कर रहे हैं। अपने ये अखंड कवरेज हम लेकर आए हैं, बेहद खास मेहमान हमारे साथ यहाँ मंचासीन हैं, हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी महाराज हैं, आप जूना अखाड़ा से आए हैं। महंत जी, जैसे आपने हमें समझाया आचार्य जी ने कि अधिवास क्या होता है, वैसे ही अग्नि मंथन क्या होता है। हमने तो समुद्र मंथन सुना था, जिस समुद्र मंथन से हलाल भी निकला था, जिससे अमृत भी निकला था, लेकिन अब ये अग्नि मंथन क्या होता है? देखिए, विशेष रूप से वेदों में वर्णन आया हुआ है कि प्राचीन काल में जब भी हमारे ऋषि मुनि वगैरह है, संत महात्मा है और जो वैदिक सांतनी है, वो जब भी यज्ञ वगैरह करते थे तो वो एक लकड़ी होती है और उसको जो है, जैसे हम दही वगैरह मंथन करते हैं, दही जो है, दही को वो घी वगैरह बनाते हैं, मंथन करते हैं, तो उसी तरह से वो लकड़ी को मंथन होती है। उसके अंदर में से जैसे सूर्य का किरण होता है और रुई रख के, रुई जो होती है उसको रख के सीधा सूर्य से, भगवान सूर्य से अग्नि को जो है, अग्नि मिले प्रोहितम, तो सीधा जो है सूर्य से वो अग्नि को लेके उसमें जो है। अच्छा महंत जी, मुझे क्षमा कीजिए, जब आप ये कह रहे हैं, अब दही को जब हम मथते हैं तब दही को मथने पर उसका जो मक्खन है वो अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है, तो अग्नि को जब को प्रज्वलित किया जाता है, ये अग्नि मंथन होता कैसे है? वो लकड़ी होती है उसमें, हाँ। और उसका भी एक पूरा बताया जाता है कि जैसे वो बनाते हैं पूरा एक, उसका वेल्डिंग करके पतले से बना के उसको रस्सी से पूरा लपेट के उसको वैसे ही मंथन जोर जोर से करते हैं, तो उसमें फिर थोड़ा रोई रख के वो अग्नि जो है धीरे धीरे उसमें प्रकट हो जाती है और फिर उसमें यज्ञ वगैरह। आज भी दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में बहुत जगह पर संत महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग, महात्मा लोग जो है, जो अग्नि मंथन करके, अग्नि प्रकट करके उसको जो है आपका जो है उसको अग्नि को, सूर्य से अग्नि को लेते हैं। जी, जो अग्नि मंथन की ही बात हुई, इसी को थोड़ा सा और आप समझाएं आचार्य जी, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी कि वो जो काष्ट का जो, वो जो मंथन का पूरा मथानी, अब मुझे नहीं पता उसका कोई और शब्द भी होता है या नहीं। उसके लिए एक सही शब्द आपको चुनना चाहिए, वो है अरणि मंथन, वो अग्नि मंथन नहीं है। हाँ। अरणि मंथन है, ये घी काष्ट होता है, उसको रख करके उसमें एक दूसरे काष्ट। अरणि का अर्थ क्या हुआ? अरणि है, अरणि शब्द है। अच्छा। अरणि शब्द है, एक ये पर्टिकुलर पात्र है। वेद में हम जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उनमें जैसे प्रणीता है, उनमें जैसे प्रोक्षणी है, उनमें जैसे श्रुआ है, उनमें जैसे आद्यस्थाली है, उनमें एक पात्र का नाम अरणि है। ये वो पात्र है जिसके द्वारा अग्नि को प्रकट किया जाता है। अब ये यहाँ समझना है, हमारे यहाँ प्रकट होने का एक सिद्धांत है जो ये कहता है सनातनता में देवत्व सदा विद्यमान है, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, उसको प्रत्यक्ष किया जाता है। जैसे अग्नि सर्वत्र है,
लेकिन वो प्रकट नहीं है। तो जब काष्ठ का घर्षण किया जाता है यज्ञीय काष्ठ का, तो उससे अग्नि प्रकट होता है। अग्नि क्यों प्रकट करना है? क्योंकि कहा मुखम यह सर्वदेवानाम हव्यभुक् कव्यभुक् तथा हव्य और कव्य जो देवताओं को और पितरों को दिया जाता है, वो परोक्ष में विद्यमान जो देवता और पितर हैं वो अग्नि में विधिपूर्वक दी गई आहुति से ही उसे ग्रहण करते हैं। ये समझना है, देवता हमारे सामने उपस्थित नहीं है, देववाद परोक्षवाद है। तो उसको जो कुछ प्राप्त होना है वो उसकी प्राप्ति अग्नि के माध्यम से होती है, जिसको महाकवि कालिदास कहते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या चहोत्री, विधि पूर्वक की गई आहुति देवताओं तक पहुंचती है। उसको पहुंचाने के लिए पवित्र अग्नि का प्राकट्य करने के लिए अरणि मंथन किया जाता है। इस अरणि मंथन का वेदों में बड़ा विस्तार है, ग्रंथों में इसका निरूपण किया गया है, और वह पवित्र काष्ठ वैदिक मंत्रों की ध्वनि के साथ संघर्ष से अग्नि को प्रकट करता है। यहाँ अग्नि शब्द को समझ लेना जरूरी है। तीन प्रकार के हमारे दायित्व हैं, जिनको हम धर्म, अर्थ और काम कहते हैं, जिनको त्रिवर्ग कहा जाता है। ये तीनों अग्नि से सिद्ध होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो मनुष्य का जीवन है, गृहस्थ का जो जीवन है, उसमें अग्नि के बिना कुछ हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं जो निरग्नि हो गया, और हिंदी में एक बड़ी प्यारी कविता है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है, जिसकी आग बुझ गई वह अपने जीवन में धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। केवल संन्यास धर्म है जहां अग्नि का त्याग हो जाता है। उसके पहले अग्न्याधान का विधान है, वो अग्न्याधान करने की जो परंपरा है, उस परंपरा के लिए वैदिक रीति से अरणि मंथन करके अग्नि प्रकट होती है। उस प्रकट किए गए अग्नि की पूजा करके, उसकी वंदना करके, विधि पूर्वक उसका अग्न्याधान हवन कुंड में होता है, और फिर उसमें जो आहुतियां दी जाएंगी वो इस प्रतिष्ठा में आमंत्रित आहूत हुई समस्त देवताओं को प्राप्त होने वाली है, इसलिए ये अरणि मंथन की क्रिया होती है। महंत जी, मैं पूरी प्रक्रिया आज के देख रही थी कि किसके बाद क्या होगा, क्या क्या कितनी देर तक चलता रहेगा, तो इसी में एक शब्द और है, वो है वेद परायण। अब ये वेद परायण का अर्थ समझाएं हमारे दर्शकों को भी कि वेद परायणता क्या है और इसके लिए क्या करना होता है। देखिए, विशेष रूप से प्राचीन भारत में जो है, जो हमारा प्राचीन भारत है, ये वेद का जो अध्ययन है, मान लीजिए कि जैसे अभी अपना राम जन्म भूमि के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है, करीब दो महीने से पूरा देश में हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है, वेदों का स्वाहाकार भी हो रहा है यहाँ पर। तो वेदों का अध्ययन करना, वेद का पाठ करना, जो वेदों का पाठ है उनका, जो वेद पाठ करते हैं, जो वैदिक है वो वेद पाठ करेंगे, और भगवान को जो है प्रसन्न करने के लिए वेद मंत्रों से वैदिक पाठ करते हैं। जी, अगर हम अनुष्ठानों की बात करें तो कुंड पूजन, पंचभू संस्कार, जी बात यहाँ और स्पष्ट कर लेनी है, जिसे हम वेद कहते हैं वे वस्तुतः परमात्मा के निश्वास हैं, और शास्त्र कहते हैं निश्वसितोयम वेदः, इनके जो श्वासोच्छ्वास हैं वही वेद हैं, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाकि सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान श्री राम के जो श्वास हैं वही वेद के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए जब भी किसी को प्रसन्न करना होगा तो सबसे पहले उसकी श्वास गति, उसका प्राणन होना चाहिए, इसलिए उनकी आराधना में वेदों का पाठ होता है, और उसको वेद पारायण नहीं, वेद पारायण कहते हैं। पारायण का अभिप्राय पाठ करना है। एक मात्रा के भी इधर उधर हो जाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जो वेद का पारायण करने वाले लोग हैं उन्हें वेद पारायण कहा जाता है। तो वेद पारायण की प्रक्रिया चल रही है और पारायण करने वाले भी वहां बैठे हैं, ब्राह्मण मौजूद हैं, और आप इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा समझ और इससे ज्यादा संस्कृति और अध्यात्म की जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।